राष्ट्रपति की कुर्सी से हाथ धो बैठे जिनपिंग। जिनपिंग को उखाड़ फेंकने के लिए चीन में विरोध तेज। उधर पुतिन ने भारत और चीन को आगे लेकर अमेरिका से ली टक्कर। पाकिस्तान की सेना के होंगे टुकड़े, मंडराया बड़ा खतरा। दोस्तों, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के तानाशाह जिनपिंग दो बार चीन के राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन अब तीसरी बार राष्ट्रपति बनना उनके लिए एक सपना रह सकता है, क्योंकि अब जिनपिंग की कुर्सी खतरे में है। आपको डिटेल से बताएंगे कि आखिर चीन में क्या कुछ चल रहा है और कैसे जिनपिंग की कुर्सी जा सकती है। दोस्तों, जिनपिंग अपने विरोध में उतरने वाले सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है या उनको ऐसी सजा देता है कि उनकी बू तक नहीं आती है और उनका इलाज कर देता है। लेकिन दोस्तों, जब से चीन का राष्ट्रपति जिनपिंग बना है, तब से भारत और दुनिया भर में चीन ने अपना मकरजाल तेजी से फैलाया है। चीन के अंदर माओ के बाद जिनपिंग सबसे पावरफुल राष्ट्रपति की श्रेणी में आता है और कम्युनिस्ट पार्टी में माओ के बाद उसको सबसे ताकतवर नेता के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त है। हालांकि अब जिनपिंग की ताकत चीन से जाने वाली है और इस ताकत को छीनने में जिसने सबसे बड़ा रोल अदा किया, वह चीन की ही देन एक वायरस है। जी हां, कोरोना वायरस, जिसको चीन ने बनाया और अब खुद उसके परिणाम भुगत रहा है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग तीसरे कार्यकाल की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीति की विरोधी उनकी दावेदारी का विरोध कर रहे हैं। दरअसल जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी ने चीन की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। जी हां, चीन की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। उनके विरोधी पिछले लंबे समय से जिनपिंग का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, चीन के प्रकाशन काइशिया में एक लेख में इस बात को जाहिर किया गया है और ये जो पोस्ट लिखी है वह चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के रिटायर प्रोफेसर है। इस पोस्ट में उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि एक नियम का हवाला दिया है जिसमें पार्टी और सरकार में रहने का समय का उल्लेख किया गया। ट्विटर पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह नियम अभी भी लागू है, केवल लगातार दो कार्यकाल या कुल 15 साल। यह जानना रोचक है कि यह नोट एक तरह से जिनपिंग की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख पद पर अगले कार्यकाल की तरह से चुनौती है। नियम के अनुसार दोस्तों, पार्टी और सरकार के प्रमुख पद पर बने रहने का समय तय है। इसमें लिखा है कि कोई भी पद पर केवल लगातार दो कार्यकाल तक या कुल 15 सालों तक ही रह सकता है। ऐसे में दोस्तों, जिनपिंग अब मझधार में है। हालांकि उनका दो कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन उनके खिलाफ विरोध भी तेज हो गए हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर संगठन में महाशक्ति होगी तो जिनपिंग को उखाड़ फेंका जा सकता है। दोस्तों, इस पोस्ट में ताइवानी मीडिया ने भी एक आर्टिकल प्रकाशित किया। 5 जून को प्रकाशित इस आर्टिकल के अनुसार यह नियम जिनपिंग की पार्टी लीडरशिप पर बने रहने के सपने को चूर चूर कर सकता है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरह जिनपिंग 2007 से अपने फिर से चुने जाने की राह में आ रही बाधाओं से निपट रहे हैं। पूर्व डिप्लोमेट और लेखक रोजर गारसाइड के अनुसार जिनपिंग के विरोधी भी देश की आंतरिक परेशानियों का उपयोग जिनपिंग को दबाने में कर रहे हैं। किताब चाइना कूप के एक लेखक गारसाइड ने बताया कि जिनपिंग बाहरी और आंतरिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन में गहरी समस्याएं पैदा हो रही है। ये जिनपिंग की लीडरशिप में काम कर रहे उनके विरोधियों को उनके खिलाफ आने का मौका दे रही है। वहीं जीरो कोविड पॉलिसी और लंबे लॉकडाउन ने चीन को दुनिया में अलग थलग कर दिया है। गारसाइड ने कहा कि इससे देश में भी गुस्सा और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति लॉयल्टी कम आ रही है। आपको बता दें कि दोस्तों, राष्ट्रपति सी जिनपिंग के पद से हटने के बाद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और मौजूदा प्रधानमंत्री ली केचेन सरकार के सभी आधिकारिक कामकाज संभाल सकते हैं। हालांकि दोस्तों, जिनपिंग के खिलाफ उठ रही इस प्रकाशित पोस्ट को चीन के अंदर बैन कर दिया गया है। आपका क्या कहना है दोस्तों, भारत के लिए क्या राष्ट्रपति जिनपिंग को उखाड़ फेंकना चाहिए? अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इन देशों ने न सिर्फ रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की बरसात की है, बल्कि इसमें पुतिन के करीबियों को भी शामिल किया है। इसके बावजूद पुतिन ने युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने की कसम खा रखी है। अब व्लादिमीर पुतिन ने भारत और चीन का नाम लेकर अमेरिका को चिढ़ाया है। पुतिन ने कहा कि रूस के पास न केवल भारत और चीन बल्कि लातिनी अमेरिका व अफ्रीकी देशों के साथ भी साझेदारी कायम करने का अवसर है।
दोस्तों पुतिन ने गुरुवार को मॉस्को में रूस के युवा उद्यमियों के साथ हुई बैठक के दौरान कहा कि दुनिया बड़ी और विविध है। आपने अभी चीन और भारत का जिक्र किया, चीन और भारत ही क्यों, लातिन अमेरिका भी इसमें शामिल है। अफ्रीका अभी पीछे है लेकिन आगे बढ़ रहा है, वहाँ 1.5 अरब लोग रहते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया भी है, रूस के पास न केवल चीन और भारत बल्कि लातिन अमेरिका और अफ्रीका के साथ भी साझेदारी करने का अवसर है। ऐसा कह के पुतिन ने पूरी तरह से अमेरिका को आग बबूला कर दिया है। दोस्तों यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर पश्चिमी देशों के लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का उल्लेख करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस जैसे देश को घेरना असंभव है। उन्होंने दावा किया कि रूस अपने लक्ष्य को लेकर अडिग रहेगा और उससे किसी भी देश का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने युवा उद्यमों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने और घरेलू उत्पादकता को बढ़ाने का आह्वान किया। व्लादिमीर पुतिन प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका समेत यूरोपीय देशों से नाराज है। यही कारण है कि रूस ने यूक्रेन में जारी युद्ध को देरी तक खींचने का फैसला किया है। इससे वैश्विक स्तर पर तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका सीधा असर यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इस बीच रूस ने भारत और चीन के साथ सस्ते में तेल खरीदने की डील कर अपने व्यापार को भी आगे बढ़ाया है। इससे रूस को नए विदेशी साझेदार मिल रहे हैं और उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा भी मिल रहा है। उधर दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से। पाकिस्तान की राजनीति में सेना का प्रभाव किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब इसी सेना में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट के चंद महीने ही बचे हैं, लेकिन उससे पहले अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। दरअसल जनरल बाजवा ने 7 हफ्तों के भीतर 2 फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर तनाव को सार्वजनिक कर दिया। पाकिस्तान सेना के इतिहास में इतने कम समय के भीतर 2 बार फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन काफी दुर्लभ घटना मानी जा रही है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तानी सेना के 80वें फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन 8 जून को किया गया था, जबकि इसके 7 हफ्ते पहले 12 अप्रैल को 89वां फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था। पाकिस्तान के सैन्य जानकारों के अनुसार आज़ादी के बाद 75 वर्षों में पाकिस्तानी सेना ने 1947 से लेकर 2022 तक केवल 78 फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को बुलाया है। इसका मतलब अर्थ है कि 2-3 मौकों को छोड़कर एक वर्ष में है एक ही फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में वार्षिक प्रमोशन और ऑपरेशनल एजेंडे पर बात की जाती है। दोस्तों 2 फॉर्मेशन कमांडर्स फॉर्मेशन का आयोजन क्यों अहम है, इसके लिए पाकिस्तान के इतिहास में युद्ध जैसे हालात के दौरान ही 1 साल में 2 बार फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। लेकिन इस समय तो न तो सीमा पर युद्ध चल रहा है और ना ही पाकिस्तान आंतरिक अशांति से जूझ रहा है। ऐसे में 2-2 फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही जनरल बाजवा के व्यवहार में नाटकीय बदलाव दर्ज किया गया है। ऐसे में दोस्तों ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान की सेना में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या पाकिस्तान की सेना 2 टुकड़ों में बंटने वाली है? आप भी इस पर अपना राय बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।